तो एक होता है ना, नवीनता होती है तो नयापन है तो एक्साइटमेंट बनी रहती है। तो इन कलाकारों में वो नवीनता क्या थी? वो था शास्त्रीय संगीत की समझ, क्योंकि इकलौता शास्त्रीय संगीत ऐसा है जो हमेशा नया रहता है, जो कभी पुराना नहीं हो सकता। कोई गीत पुराना हो सकता है, कोई नगमा पुराना हो सकता है, कोई कहानी पुरानी हो सकती है, फिल्म पुरानी हो सकती है, क्योंकि हर रोज़ कुछ और अलग आ रहा है तो वो पुराना हो गया। पर संगीत में कभी कोई चीज़ पुरानी नहीं होती, कोई राग पुरानी नहीं, कोई अलंकार, कोई सुर पुराना नहीं। आज भी वही 7 सुर हैं जिनको हम सदियों से गाते आ रहे हैं, आज भी वही रागे हैं जिनको बरसों से गाते आ रहे हैं, बरसों तक चलती रहेंगी, क्योंकि हर पल नया है इसमें। लाइव वीडियो कॉल क्लासेस, मॉर्निंग वोकल रियाज सेशंस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ अवेलेबल है संगीत धरा SPW ऐप पर। अभी डाउनलोड कीजिए, एंड्रॉइड, iOS और डेस्कटॉप तीनों पे अवेलेबल है। डाउनलोड कीजिए और घर बैठे सीखिए। इस चीज़ को पता है मेरे पिताजी कुछ अलग अंग में कहते हैं कि सुंदरता एक कंसेप्ट है अपना, है ना। उसको जैसे हम कहते हैं ना, नवीनता ही सुंदरता है, कि भैया न्यू इज गुड, ओ भाई खूबसूरत है ये तो माना, बट ओल्ड इज गोल्ड। बिल्कुल, बहुत सत्य बोला आपने। खैर, इस कंसेप्ट पे पिताजी ने म्यूजिक से जोड़ के एक बार एक वीडियो बनाया था और एक लेक्चर में वो चीज़ समझा रहे थे कि नवीनता ही सुंदरता है। लोग कहते हैं सुंदरता जो कंसेप्ट है ना, ब्यूटी जो कंसेप्ट है, ये आम इंसान सिर्फ फिजिकल बींग तक ही रख पाता है कि नहीं, कि भाई फेशियल सिमेट्री अगर प्रॉपर है, यानी जैसी आंखें होनी चाहिए, कन्वेंशनल जो आंखें होती हैं कि यार लड़की की ऐसी आंखें होनी चाहिए, लड़के की ऐसी आंखें होनी चाहिए, या कन्वेंशनल नाक का साइज़ इतना होना चाहिए, ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए चुड़ैल जैसी, ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए सूअर जैसी, है ना। लोगों को ये लोगों की मान्यता बता रहा हूँ मैं आपको, कि फेशियल सिमेट्री भी होती है, जैसे फिजिकल सिमेट्री होती है वो तो है ही है, कि यार ज़्यादा पतला है, ज़्यादा लंबा है ताड़ जैसा एकदम, या बहुत मोटा है, है ना। ये होती फिजिकल सिमेट्री, कि वो बराबर नहीं है जैसी होनी चाहिए उमूमन, है ना। कि वो लड़कियों के लिए तो इवन ये यहाँ तक भी बोला जाता है कि क्या वो 36 24 36, कि ये फिगर साइज है, यही होना चाहिए भैया, इसके अलावा हुआ तो फिर मज़ा नहीं है। तो ये आम इंसान क्या करता है, सुंदरता ब्यूटी जो है वो फिजिकल बींग तक ही रखता है कि नहीं। ये बहुत ठीक है, ये सब कहने की बातें हो जाती हैं कि अरे नहीं नहीं, द ब्यूटी लाइज विद इन, है ना, इंटरनल ब्यूटी होती है, कहते सब हैं, मानता कोई नहीं है, है कि नहीं। तो नवीनता ही सुंदरता होती है, नयापन जो है ना, जैसे नया खिलौना आया या मेरे पास ये मैंने नया माइक्रोफोन लिया तो मज़ा है, ये पुराना हो जाएगा फिर इसकी बात ठीक है, कीमत चली जाएगी, कोई दूसरा आएगा उसकी कीमत आएगी, है ना, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो संगीतकार हैं जितने, जो शास्त्रीय संगीत को समझते हैं ना, ओल्ड वही गोल्ड बनता है, हर ओल्ड गोल्ड नहीं बनता है, कुछ ही चुनिंदा ओल्ड हैं जो गोल्ड बनते हैं, बाकी जितने ओल्ड हैं वो कचरा बनते हैं, है ना, वो फेंके जाते हैं, लेकिन बहुत चुनिंदा ऐसे ओल्ड हैं जो गोल्ड बनते हैं, क्योंकि वो जो ओल्ड थे उनमें नवीनता हमेशा बनी थी, एवरग्रीन नवीनता थी उनमें, नयापन, हमेशा वो नए थे। आज हम जिनको सुनते हैं ओल्ड इज गोल्ड के नाम से, लता जी को, रफ़ी साहब को, मन्ना डे जी को, किशोर कुमार जी को, है ना, अगर हम बॉलीवुड की बात करें उसमें, बाकी हम क्लासिकल जॉनर में जाएंगे तो जसराज जी को, है ना, या भीमसेन जी को, इनको अगर हम सुनते हैं, अमीर हुसैन खां साहब को, इनको अगर सुनते हैं, परवीन सुल्ताना जी को, ये क्लासिकल जॉनर के हैं, है ना, तो इनको अगर सुनेंगे जो ओल्ड इज गोल्ड बन चुके हैं, कि यार ये तो वो पुराने सिंगर्स हैं जो जिनका तो कोई पैरेलल ही नहीं है इनके जैसा, इनका कोई दूसरा सानी, उर्दू में पैरेलल को या सिमिलर को सानी कहा जाता है, जैसे हिंदी में कहेंगे तो कहेंगे अद्वितीय, अद्वितीय, जिसका द्वितीय है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, है ना, तो उर्दू में उसको कहेंगे जिसका कोई सानी नहीं है, सानी यानी सिमिलर, उसके जैसा कोई नहीं है, और इंग्लिश में उसे क्या कहेंगे कि यूनिक है, कि उसके जैसा सिमिलर कोई नहीं है, ठीक है। तो वो कब बनता है इंसान, ओल्ड इज गोल्ड कब बनता है, जब वो अपनी नवीनता की स्टेज में होता है, अपने नएपन के स्टेज में होता है और हमेशा कुछ नया देता है। लता जी का कोई भी गाना आप ऐसे नहीं कर सकते, यार ये गाने तो सारे सिमिलर हैं, लेकिन आजकल के बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिनकी गायकी हम कह देते हैं यार ये तो सब सिमिलर ही तो हैं, ये तो सारे एक जैसे गाने गाता है, है ना, पर हम किसी भी पुराने सिंगर के लिए ये नहीं कह सकते। आप किशोर कुमार साहब का हर गाना सुन लीजिए, इतना हरफन मौला आदमी है वो, कि कभी लाइट म्यूजिक भी गा दिया मस्ती भरा, तो कभी सैड भी गा दिया,
सैड गाया तो वो एकदम ऐसा भी कि रोमांटिक भी है, और कई बार जिंदगी के अलग अलग फलसफे भी उसके सैडनेस में दिखाएंगे। हर रस हर भाव को, जिस एक बार मैंने आपको बताए थे 9 रस होते हैं, 9 के 9 रस वो लोग अपनी गायकी से अपनी कला से दिखा सकते थे, इसी ही लिए वो हमेशा ओल्ड इज गोल्ड बने रहे, है ना, आज भी बने रहे और हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि वो नवीनता ही सुंदरता को समझते थे कि नयापन ही बनाए कैसे रखा जाए, है ना। आज हो सकता है तुम्हारा मेरा रिश्ता 1-2 लोगों का रिश्ता अभी महीना महीना हुआ है तो बड़ा अच्छा है, है ना, 2 महीना बीता ठीक है, साल भर हो गया इनके रिलेशन को, मान लीजिए 2 लोगों के रिलेशन में थोड़ी बोरियत आ गई, एक दूसरे से उबना भी शुरू हो गए, हाँ ठीक है, हाँ ये तो जानते हैं इसको, अपना ही तो है यूँ, लेकिन नया नया होता है तो एक स्पार्क होता है, है ना, तो एक होता है ना, नवीनता होती है तो नयापन है तो एक्साइटमेंट बनी रहती है। तो इन कलाकारों में वो नवीनता क्या थी, वो था शास्त्रीय संगीत की समझ, क्योंकि इकलौता शास्त्रीय संगीत ऐसा है जो हमेशा नया रहता है, जो कभी पुराना नहीं हो सकता। कोई गीत पुराना हो सकता है, कोई नगमा पुराना हो सकता है, कोई कहानी पुरानी हो सकती है, फिल्म पुरानी हो सकती है, क्योंकि हर रोज कुछ और अलग आ रहा है तो वो पुराना हो गया, पर संगीत में कभी कोई चीज़ पुरानी नहीं होती, कोई राग पुरानी नहीं, कोई अलंकार, कोई सुर पुराना नहीं। आज भी वही 7 सुर हैं जिनको हम सदियों से गाते आ रहे हैं, आज भी वही रागें हैं जिनको बरसों से गाते आ रहे हैं, बरसों तक चलती रहेंगी, क्योंकि हर पल नया है इसमें, है ना। आज मैं यमन गाऊंगा तो यमन में अगर कुछ आलाप लिया है तो आज का आलाप अभी का आलाप था, आप मुझसे दोबारा शाम में गवा दो मैं अलग गाऊंगा, अगली सवेरे गवा दो मैं अलग गाऊंगा, वो आलाप रिपीट नहीं होगा। और ये पता नहीं क्या एक ताज्जुब है, ये एक महिमा इस संगीत की है कि ये कभी रिपीट नहीं करता है अपने आप को। इतने बरसों से वही राग कैसे चल रही है, आप सोचिए ना, वही राग, वही 7 सुर हैं, लेकिन तब भी आज तक चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि नवीनता है उसमें। तो इसीलिए नवीनता ही सुंदरता होती है। इसका एक और एग्जांपल उन्होंने इस तरह से दिया कि इनके चेहरे देखिए एक बार, गुलाम अली के, लता मंगेशकर के, या पंडित जसराज जी के, भीमसेन जोशी साहब के, नुसरत फतेह अली खान साहब के, कन्वेंशनल चेहरे नहीं है इनके, कन्वेंशनल खूबसूरती नहीं है इनमें, वो खूबसूरती जैसी फिल्म में हीरो हीरोइंस की होती है, एक्टर्स की होती है, या हम आम इंसान में जो खूबसूरती देखते हैं चेहरे की या फिजिकल की, उनमें नहीं है, लेकिन तब भी उन्हें पूजा जाता है। माइकल जैक्सन को आप जानते हैं, माइकल जैक्सन को भगवान मानते हैं लोग, उनके कॉन्सर्ट्स में नसें काटती हैं लड़कियां, कपड़े फाड़ देते हैं लोग अपने, दीवाने हैं उनके। अभी अगर कह दिया जाए कि यार आपके शहर में गुलाम अली आ रहे हैं, भीड़ हो जाएगी उनको देखने के लिए, हैं क्यों, वो पूज कैसे रहे हैं लोगों ने, क्योंकि उनकी संगीत में वो बात है। तो खूबसूरती का पैमाना है ना, पैरामीटर ऑफ ब्यूटी क्या है लोगों के लिए, अगर वो सिर्फ सिमेट्री है, फिजिकल सिमेट्री है, तो वो बेवकूफ़ हैं, है ना, क्योंकि फिजिकल सिमेट्री आज है कल नहीं है, है ना, ये फानी है, फानी यानी ख़त्म हो सकती है, इमॉर्टल नहीं है, ये मॉर्टल चीज़ है ना, ह्यूमन मॉर्टल है और ब्यूटी ये भी मॉर्टल है। इमॉर्टल एक ही ब्यूटी होती है, वो दिल की ब्यूटी, वो विचारों की ब्यूटी होती है, वो थॉट्स की ब्यूटी होती है। अगर आज मेरे थॉट्स हैं आपके साथ मैच कर रहे हैं तो ये ब्यूटी है कि नहीं। फिजिकल ब्यूटी है नहीं है, वो सिर्फ फर्स्ट लुक तक रहती है और वो 4-5 दिन की महिमा है बस, 4-5 दिन अच्छा लगेगा वो, फिर वो चला जाएगा, क्योंकि 5वें दिन कोई और पसंद आ जाएगा, है ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि दुनिया के सबसे हसीन आप ही हैं, ऐसा नहीं है, और भी हसीन बहुत हैं इस धरती पे, आपसे बेहतर भी और आपसे कमतर भी, है कि नहीं। लेकिन विचार सिर्फ आप ही के जैसा आप ही का है और किसी का नहीं है, सो फोकस ऑन दैट, है ना। अगर आपने अपना इंटेलेक्ट, अपना थॉट प्रोसेस उसको रिच कर लिया ना, तो आपको लोग भी ऐसे ही मिलेंगे, वरना अगर आप गौर करते रह गए अपनी फिजिकल सिमेट्री को सुधारने में, तो आपको फिर लोग भी ऐसे ही मिलेंगे जो सिर्फ उतना ही गौर करते हैं, और फिर आप परेशान होते रहेंगे कि यार ये तो यार मेरे चेहरा देख के पसंद करने वाले व्यक्ति में से है, आज चेहरा अच्छा लग रहा है, कल नहीं लग रहा, तो कल क्या पसंद नहीं आओगे, है रोज़ चेहरा एक जैसा रखता है क्या, रोज़ बाल एक जैसे नहीं रहते। मुझे कॉलेज में आके मालूम चला कि गुड हेयर डे भी कोई चीज़ होती है। 12वीं क्लास तक तो मैं बढ़िया था, मैंने कहा जैसे बाल हैं ऊपर वाले दिए हैं चलो लेके यही मुँह स्कूल में, लेकिन कॉलेज में आए, दोस्त मिले, दोस्तों ने बताया कि नहीं गुड हेयर डे भी एक चीज़ होती है जिस दिन आपके बाल अच्छे लगते हैं। मैं कहा हैं, ये कंसेप्ट तो था ही नहीं हमारी डिक्शनरी में आज तक, फिर मालूम चला। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, खैर।